रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद राहुल द्रविड़ ने मीडिया से कहा, मैंने 604 बार इंडिया के लिए बल्लेबाजी की, जिसमें से 410 बार मैं 50 रन भी नहीं बना सका। मैं सफल होने से ज़्यादा असफल हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको सफलता से ज़्यादा असफलता के बारे में बता सकता हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे ही थे राहुल द्रविड़। अगर आपने राहुल द्रविड़ को बैटिंग करते देखा है तो यकीन मानिए कि आप खुश नसीब हैं। द्रविड़ के बारे में स्टीव वॉ ने कहा था कि शुरू के 15 मिनट में ही राहुल द्रविड़ का विकेट ले लो, अगर नहीं ले पाए तो बाकी के विकेट लेने की कोशिश करो। आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, आप राहुल द्रविड़ के बारे में 9 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, और नंबर 1 फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। नंबर 9, जब स्कॉटलैंड की तरफ से खेले द्रविड़। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि राहुल द्रविड़ स्कॉटलैंड के लिए 2003 में 11 मैच खेल चुके हैं। द्रविड़ इंग्लिश घरेलू एक दिवसीय लीग में स्कॉटलैंड की टीम का हिस्सा थे। स्कॉटिश क्रिकेट यूनियन के CEO ग्वेन जोन्स ने 2003 में तत्कालीन भारतीय क्रिकेट कोच जॉन राइट से संपर्क किया, और ग्वेन जोन्स चाहते थे कि भारतीय क्रिकेट के स्टार सचिन तेंदुलकर उनकी टीम से खेलें, लेकिन जॉन राइट ने राहुल द्रविड़ का ऑफर दिया। द्रविड़ ने स्कॉटलैंड की ओर से खेलते हुए कुल 11 मैचों में 66 की औसत से कुल 600 रन बनाए। नंबर 8, एक हॉकी प्लेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि राहुल द्रविड़ अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? जी हाँ, अगर द्रविड़ क्रिकेटर ना होते तो वह हॉकी प्लेयर होते, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर बनने से पहले वो हॉकी खेलते थे और हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो अपने स्कूल के दिनों में जूनियर हॉकी स्टेट टीम में खेलते थे। उन्हें जल्द ही ये महसूस हो गया कि वो हॉकी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि स्कूल कोच ने उन्हें सेंटर हाफ से हटाकर राइट हाफ पर कर दिया था। इसी बीच उनका सिलेक्शन क्रिकेट में अंडर 16 स्टेट टीम के लिए हो गया, और फिर उन्होंने क्रिकेट को ही चुन लिया। नंबर 7, एक ही मैच में डेब्यू और रिटायरमेंट। राहुल द्रविड़ क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही मैच में डेब्यू किया और रिटायरमेंट ले लिया। द्रविड़ ने अपना पहला और अंतिम T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 31 अगस्त 2011 को खेला। इस मैच में द्रविड़ ने 21 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली थी। नंबर 6, राहुल द्रविड़ का नाम जैमी कैसे पड़ा? राहुल द्रविड़ के पिता एक जैम बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, इस वजह से राहुल द्रविड़ का निकनेम जैमी पड़ा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राहुल द्रविड़ के इस निकनेम पर बैंगलोर में एक लोकल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। जैमी कप के नाम के इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच की जगह जैमी ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है। नंबर 5, सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज। भारतीय द वॉल राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में 164 टेस्ट मैचों में कुल 31,258 गेंदों का सामना किया। यह इस लिहाज से भी काफ़ी चौंकाने वाला है कि सचिन तेंदुलकर द्रविड़ से 8 साल ज़्यादा खेले, इसके बावजूद द्रविड़ ने सचिन से ज़्यादा गेंदें खेली हैं। नंबर 4, जर्सी नंबर 19। राहुल द्रविड़ की जर्सी का नंबर 19 है। जब एक बार उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का बर्थडे भी 19 तारीख को होता है, और ये याद रखने के लिए उन्होंने जर्सी का नंबर 19 चुना। अभी 3 फैक्ट और बाकी हैं, और जो नंबर 1 फैक्ट है उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 3, लगातार 4 शतक। राहुल द्रविड़ एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 4 मैचों में 4 शतक बनाए। ये दर्शाता है कि राहुल द्रविड़ किस अव्वल दर्जे के जीनियस हैं। नंबर 2, टेस्ट में कभी भी 0 पे आउट नहीं हुए। राहुल द्रविड़ के नाम एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। जी हाँ, अपने 16 साल के टेस्ट करियर में द्रविड़ ने 286 पारियां खेली, लेकिन कभी भी 0 पे आउट नहीं हुए। साथ ही राहुल द्रविड़ इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 735 घंटे 52 मिनट बैटिंग करते हुए क्रीज पर बिताए, यानी कि लगभग 44,152 मिनट क्रीज पर बिताए। और अब आता है फैक्ट नंबर 1, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जब स्टेडियम में बनी द्रविड़ के नाम की दीवार। द्रविड़ के 10,000 रन पूरे होने पर कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड ने बैंगलोर के
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10,000 ईंटों की एक दीवार बनाई। इसमें एक धातु की मूर्ति भी लगाई जिसमें द्रविड़ का कवर ड्राइव मारते हुए एक शिलालेख है जिसके साथ लिखा है कमिटमेंट कंसिस्टेंसी क्लास। ये दीवार 27 फुट ऊंची है और 15 फीट चौड़ी है और इस दीवार का उद्घाटन सचिन तेंदुलकर ने किया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना।